प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे और आपके YouTube चैनल मेनू क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको 2021 के MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है और जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसका 98% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 5 सेट से ही होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हम पे भरोसा है तो वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग सेट वन करने वाले हैं, तो सेट वन से हम MCQS क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सब पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा VVI ऑब्जेक्टिव छुपा है, तो जिससे मतलब बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक वन नंबर है कि स्त्री दल चक्र यानी बना होता है पुष्प में जो है वो स्त्री दल चक्र वह क्या चीज़ का बना होता है, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी उपरयुक्त सभी से बना होता है। इसका सही आंसर घ हो जाएगा। चलिए टू नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, इनमें से जो है कौन सी गलत जोड़ी है, तो कम है जी समांतर सी, खम है टी बराबर ए, और गम है ए बराबर यू, और घम है टी बराबर यू। तो इसमें जो है गलत जोड़ी टी बराबर यू है। इसका सही आंसर घ हो जाएगा, टी बराबर यू यह गलत जोड़ी है। चलिए थ्री नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, इसकी अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई, ए आई ओपेरिन तथा JBS हेल्डन द्वारा। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आई ओपेरिन तथा JBS हेल्डन द्वारा। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में एम्फ्लिबियन तथा एम्फ्लिबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बरोफाइटस, क्या हो जाएगा, ख। चलिए फाइव नंबर क्वेश्चन है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, जैव रिएक्टर जो है अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पादक जीव माध्यम ये सभी मतलब निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर घ हो जाएगा, क्या क्या निर्माण कर रहा है, उत्पादक जीव और माध्यम, इसका सही आंसर घ हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि चाई तुंग इनमें से किसकी किस्म है, चाई तुंग जो है इनमें से धान की किस्म है, इसका सही आंसर क हो जाएगा, धान की। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ रोगों का शीघ्र एवं सही पहचान के लिए हम एलाइजा का प्रयोग कर सकते हैं, इसका सही आंसर क हो जाएगा, एलाइजा का। चलिए एट नंबर क्वेश्चन है कि पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मत्स्य पालन मतलब जो जलीय जंतु होते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर जो है वह जलीय जंतु से संबंधित है, इसका सही आंसर ख हो जाएगा, जलीय जंतुओं से। चलिए नाइन नंबर क्वेश्चन है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग यानी उपयोग कर सकते हैं, मतलब ऐच्छिक जीन जो है उसके बहुकरण के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, PCR का, क्या चीज़ का, PCR का, इसका सही आंसर खो हो जाएगा। चलिए टेन नंबर क्वेश्चन है कि परिपक्व जो है वह शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, यानी परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक्रोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्रोसोम, इसका सही आंसर क हो जाएगा, एक्रोसोम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, जल धारण जो क्षमता है वह किसका गुण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, को यानी मृदा का, जल धारण जो या क्षमता इनमें से किसका गुण है, मृदा का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि वीरवरी संबंध किससे है, क्या कह रहा है कि वीरवरी संबंध किससे हैं,
तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सैंक्रोमाइसिस का इसका सही आंसर को हो जाएगा, सैंक्रोमाइसिस से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किड्रोयोपेथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? तो किसके अधिक समान थे? ऐप के। इसका सही आंसर क हो जाएगा, ऐप के। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन जो होता है वह मुकुलन के माध्यम से होता है। इसका सही आंसर क हो जाएगा, मुकुलन के। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा को, आरएनए से। कैसे? आरएनए से। इसका सही आंसर को हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मतलब किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। सही आंसर ख हो जाएगा, मोर्टेलिटी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू। क्या चीज़ के? तंबाकू के। इसका सही आंसर क हो जाएगा, तंबाकू के। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी बाहरी कोशिका को, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो किसका? जीन गन का। क्या चीज़ का? जीन गन का। इसका सही आंसर क हो जाएगा, जीन गन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी डीएनए सांचा है उसमें जो है आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसका सही आंसर ख हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो नील हरित बैक्टीरिया का। क्या चीज का? नील हरित बैक्टीरिया का। इसका सही आंसर क हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? यानी सिकल कोशिका एनीमिया जो है वह किस प्रकार का रोग है? तो इसका सही आंसर क हो जाएगा, ऑटोसोम संबंधित रोग। क्या हो जाएगा? ऑटोसोम संबंधित रोग। इसका सही आंसर क हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन एंजाइम जो है वह जाने जाते हैं क्या चीज़ से? यानी आणविक कैंची के रूप में। क्या चीज़ से जाने जाते हैं? आणविक कैंची के रूप में। इसका सही आंसर ख हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है वह पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। क्या चीज़ से? पापावर सोमनीफेरम से। इसका सही आंसर क हो जाएगा। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जो है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा, नगर भूमि में। कहाँ पाया जाता है? नगर भूमि में। तो इसका सही आंसर ग हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बेलिसेनेरिया के पुष्प है, इनमें से जो है बेलिसेनेरिया के पुष्प कौन है? तो वायु परागित है। इसका सही आंसर क हो जाएगा, वायु परागित। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर जो है वह जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। क्या चीज़ से? जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। इसका सही आंसर क हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो है वह सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो वह होता है हेप्लॉइड, मतलब एक गुणांक। हेप्लॉइड जो है वह एक गुणांक है। इसका सही आंसर क हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः जो है हवा के द्वारा होता है। क्या चीज़ के द्वारा? हवा के द्वारा। इसका सही आंसर क हो जाएगा, हवा के द्वारा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक मूसों, मूसों जो है यह वैज्ञानिक नाम है, तो चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, यानी चूहों का जो है प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए कर सकते हैं। क्या चीज़ के लिए? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जाँच के लिए। इसका सही आंसर क हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो है वह मादा स्त्री जनतंत्र से संबंधित है। किस चीज़ से? मादा स्त्री जनतंत्र से। इसका सही आंसर ख हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कराई आईएबी किसे नियंत्रित करता है। कराई आईएबी जो है वह कौन छेदक को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क, यानी कौन छेदक को नियंत्रित करता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि लेक ओपेरॉन जो है किसका प्रतिनिधि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी को में दिया गया है कि अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, ख में दिया गया है कि दमनकारी जीन क्रियाविधि का, और ग में है गृह संचालन जीन संरचना का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये तीनों जो है इसके लिए सही है। इसका सही आंसर घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घ, इन सभी का। 33 नंबर क्वेश्चन है कि F2 संतति की बायलक्षणी अनुपात आघूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होता है। तो आघूर्ण यानी प्रभावित आघूर्ण की स्थिति में जो है वह 3:1 हो जाता है। इसका सही आंसर क हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि AMPP/R यानी जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है। तो किसमें उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिजैविक में। क्या चीज़ का? प्रतिजैविक में। इसका सही आंसर ग हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि बी यानी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का जो है वह निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क, अस्थि मज्जा में। क्या चीज़ में? अस्थि मज्जा में। इसका सही आंसर क हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला जो है उसके जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडा मतलब कितना होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 400। इसका सही आंसर ख हो जाएगा। 400 अंडा होता है जीवन काल में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय में कोपर टी के एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का प्रमुख कारण है। तो मुख्य कारण क्या है? तो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। ख में दिया गया है कि गर्भाशय में कोपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, और ग में दिया गया है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घ, इनमें सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। तो किस पौधे में होता है? तो क का इसका सही आंसर हो जाएगा, एस्टेरेसिया एवं घास। क्या हो जाएगा? एस्टेरेसिया एवं घास, क का सही आंसर हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन किनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। तो किनकी कहलाते हैं? क का सही आंसर होगा, बहुअलील। क्या हो जाएगा? बहुअलील। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक वाला क्या होगा? 21, और सबसे कम वाला गुणसूत्र वह होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा इसका सही आंसर, गुणसूत्र 21 एवं वाई। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। तो दात्र कोशिका जो है अरक्तता प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलियोट्रोपी। क्या हो जाएगा? पलियोट्रोपी। इसका सही आंसर ग हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली अभिकरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ख हो जाएगा, अभिसारी क्रम विकास। अभिसारी क्रम
विकास, तो इसका सही आंसर ख हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग सेट टू पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीवीआई क्वेश्चन इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।